कि आर्य कहां से आए। ये चार तरीकों से प्रूव हो चुका है, टेक्सचुअल यानी किताबी तौर पे कौन लोग कहां जा रहे थे, आर्कियोलॉजिकल तौर पे या वो भारत में ही किसी जगह से आए, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा के तौर पे हरप्पन सभ्यता के सब लोग मारे गए, रथ यानी चैरियट सिनोली में हाल ही में दो स्टडीज के हवाले से जेनेटिक तौर पे भी खराब आर्कियोलॉजी के चलते ऐसा माना जाता है ऋग्वेद को अधिकांश भारत की बाउंड्री के बाहर ही कंपोज किया गया। हरप्पन जीन और ईरानियन पास्टोरलिस्ट जीन्स अलग हैं। पशुपति सील जो कि मोहिंजोदाड़ो में मिली, फॉरेन और लोकल का एहसास खुद आर्य भी बयां करते हैं, जिन्हें आमतौर पे मदर गॉडेस कहा जाता है। यहाँ मिट्टानी किंगडम पर आर्य सभ्यता पास्टोरल थी। जियस जो ग्रीक गॉड है और इंद्र, तब उन्होंने यहाँ के लोगों को एनस्लेव किया, तो इन्हें दैविक मानना अतिशयोक्ति है। हेलो हेलो और नमस्कार, मैं हूँ रुचिका शर्मा, आपका स्वागत है आयशाडोन इतिहास के 24वें एपिसोड में। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ रुचिका शर्मा, मैं पेशे से इतिहास की एक टीचर हूँ। मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आयशाडोन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहाँ मैं हर एपिसोड में इतिहास के एक विषय पर चर्चा करती हूँ, ये आयशाडो लुक करते हुए। तो अगर आपको इतिहास या आयशाडो या दोनों ही में रुचि है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी किताबों और पेपर्स के नाम मौजूद हैं जो आज के विषय से जुड़े हुए हैं। आप इनको अपनी जिज्ञासावश पढ़ सकते हैं या जो भी मैं यहाँ बोलूँ उसे फैक्ट चेक करने के लिए। तो अब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक पोल रखा था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप अगले एपिसोड में यानी कि इस एपिसोड में किस विषय पे मुझे चर्चा करते देखना चाहेंगे, और अधिकतर लोगों ने जैसा कि आप देख सकते हैं आर्य कहाँ से आए चूज किया था। तो आज हम बात करेंगे कि आर्य कहाँ से आए, क्या वो भारत में ही किसी जगह से आए या बाहर से यानी ईरान वगैरह से आए। हमें कैसे पता चलता है कि 1500 साल से भी पहले कौन लोग कहां जा रहे थे। इन सब क्वेश्चंस का जवाब इस गोल्डन ब्राउन लुक के साथ चलें फिर। तो सबसे पहले आर्य कौन थे। आर्य शब्द ईरानियंस ने खुद अपने आप को दिया। ईरान शब्द आर्य नाम से आता है जिसका अर्थ होता है ईरानियंस या आर्यंस का देश, पर क्योंकि इस शब्द को बाद में हिटलर इत्यादि ने एक रेशियल टर्म बना दिया तो इस शब्द का आर्य शब्द का इस्तेमाल कम ही होता है। तो जो लोग ईरान से भारत की तरफ और मेसोपोटामिया की तरफ गए उन्हें आज एकेडमिक सर्कल्स में सेंट्रल एशियन स्टेप पीपल भी कहा जाता है। इसमें अब कोई शक नहीं कि आर्य ईरान से ही आए, ये चार तरीकों से प्रूव हो चुका है, टेक्सचुअल यानी किताबी तौर पे, आर्कियोलॉजिकल तौर पे, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा के तौर पे, और हाल ही में दो स्टडीज के हवाले से जेनेटिक तौर पे भी। पहले आर्कियोलॉजिकल तौर पे देखते हैं। आर्य सभ्यता से पहले की सभ्यता हरप्पन सभ्यता मानी जाती है। आर्कियोलॉजिकली हरप्पन सभ्यता 1700 BCE में डिक्लाइन हो गई। ये कैसे पता चलता है, जो भी हमें अवशेष हरप्पन सभ्यता के 2200 BCE में मिले, जहाँ अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सिस्टमाइजेशन थी टाउन प्लानिंग में, पॉटरी में समानता थी, वो सब 1700 BCE के बाद से मिलना काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हरप्पन सभ्यता के सब लोग मारे गए, जो कि अक्सर माना जाता है। इसका बस यही मतलब है कि जो भी हुक्मरान थे हरप्पन सभ्यता के, उनकी सत्ता खत्म हो गई। जो समानता उनकी ड्रेन्स ब्रिक्स वगैरह में दिखती थी वो नहीं रही। वो क्यों हुआ उसके काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। आमतौर पे माना जाता है कि हरप्पन सभ्यता और वैदिक सभ्यता के लोग दोनों एक ही जगह से आए, यानी वो भारत से ही थे आर्य भी। ये सरासर गलत है। हमें आर्य के अवशेष 1400 BCE से मिलने शुरू होते हैं और ये हरप्पन सभ्यता के अवशेषों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हरप्पन लोग अपने मुर्दा भाई बंधुओं को दफनाते थे, पर 1400 BCE से क्रिमेशन यानी मृतक को जलाने की परंपरा और उसकी राख को मटके में रखकर उस मटके को दफनाने की प्रक्रिया के अवशेष मिलते हैं, जिसको अर्न बरियल भी कहते हैं। दूसरा, हरप्पन सभ्यता खासकर एग्रीकल्चरल थी, यानी खेती की जाती थी, पर आर्य सभ्यता पास्टोरल थी, यानी वो खेती नहीं करते थे बल्कि जानवर की उपज जैसे दूध इत्यादि पे जीते थे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे,
इसीलिए वो एक जगह नहीं टिकते थे, अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह करते रहते थे। तीसरा, ये माना जाता है कि रथ यानी चैरियट सिनोली में हरप्पन सभ्यता के लिए मिला है, और इसको एविडेंस माना जाता है कि हरप्पन सभ्यता और आर्य सभ्यता एक समान थे, क्योंकि आर्य सभ्यता में रथ के बारे में बात हुई है वेदों में, महाभारत में। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि रथ के पहिए स्पोक्ड होते हैं इस तरह, लेकिन जो हमें सिनोली में मिले हैं वो स्पोक्ड नहीं है, फुल व्हील है, जो हरप्पन सभ्यता से मिट्टी में बने कृतियों में हमें दिखते हैं। इन पहियों को बुल कार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता था ऐसे, ना कि रथ में। सबसे पहले रथ यूरल सी के करीब मिले थे 2000 BCE में। यूरल सी रशिया के बेहद करीब है, फिर यहां से ये रथ इजिप्ट की तरफ गए 1500 से 1400 BCE में, और यही काल आर्य के भारत आने का भी माना जाता है। आर्य आए यूरल सी से ही थे, उनके आने के दो रास्ते थे, एक हिंदू कुश के पहाड़ों से होते हुए, जो हमें गांधार कल्चर से पता चलता है, जैसे कि हॉर्स स्केलेटन फाइंड्स 1600 BCE में। दूसरा रास्ता पामिर पहाड़ों से था, जहां एक सिमिलर पैस्टोरल कल्चर मिलता है, पर क्योंकि आर्य पैस्टोरल थे, मतलब कि एक जगह पे ज्यादा रिहायश नहीं करते थे, तो उनके अवशेष मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, और अक्सर कम अवशेष ही मिलते हैं। वेदों में कहा गया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले उस जगह को जलाना जरूरी था, जिससे कि अवशेषों का मिलना और भी दुर्लभ हो जाता है। चौथा, क्योंकि घोड़ों को अक्सर आर्य सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है, ये भी माना जाता है कि घोड़ों के अवशेष भी हरप्पन सभ्यता में मिले हैं, ये भी गलत है। गांधार कल्चर में हॉर्स स्केलेटन सबसे पहले मिलते हैं 1600 BCE में, जो कि हरप्पन सभ्यता के काफी बाद में है, और चूंकि गांधार के रास्ते से ही आर्य आए थे, ये घोड़े उन्हीं के समय के हैं। आर्य खुद भी अपने को अलग बताते हैं लोकल लोगों से। जामिनिया ब्राह्मणा जो थे वो वेदों पे कमेंट्रीज हैं, यानी कि टिप्पणियां हैं, तो जामिनिया ब्राह्मणा में ये एडवाइस दिया गया है कि वैदिक लोगों को लोकल विलेज में नहीं रहना चाहिए, अगर वो लोकल विलेज में जाएं भी तो क्षत्रियों के साथ लेके जाएं। तो यहाँ एक फॉरेन और लोकल का एहसास खुद आर्य भी बयां करते हैं। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, यानी भाषा के तौर पे, लिंग्विस्टिक्स के तरीके से हमें कैसे पता चलता है कि आर्य कहाँ से आए। जिस भाषा में ऋग्वेद कंपोज हुआ है, और मैं यहाँ जानबूझकर कंपोज वर्ड यूज कर रही हूँ, ना कि रिटन, क्योंकि ऋग्वेद को काफी बाद में 6th century BCE के करीब लिखा गया, पर उसकी कंपोजिशन यानी उसका मौखिक रूप 1400 BCE के आसपास माना गया है। तो ऋग्वेद की भाषा की जननी प्रोटो इंडो यूरोपियन है, जिससे प्रोटो इंडो ईरानियन आई है, जो कि रशियन सेंट्रल एशियन स्टेप वाली जगह में रहने वाले लोग बोलते थे। सेंट्रल एशिया की ग्रासलैंड्स, जहां लंबी घास उगती है, उन्हें सेंट्रल एशियन स्टेप्स भी कहा जाता है। तो ये इंडो ईरानियन भाषी लोग ईरान और अफगानिस्तान की तरफ आए। हमें इसलिए पता है क्योंकि आज भी संस्कृत में कुछ शब्द यूरालिक लैंग्वेजेस, जो रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेप्स में बोली जाती थी, उनसे मेल खाते हैं, जैसे कि सौ, जिसे संस्कृत में शत कहते हैं, उसे फिनिश, जो एक यूरालिक लैंग्वेजेस है और आज फिनलैंड में भी बोली जाती है, वहां भी सौ को शत कहते हैं। चक्रा, जो यूरालिक लैंग्वेजेस में केकरा है, भागा, जो पाका या बाका है, से पता चलता है कि ईरान और अफगानिस्तान में प्रोटो इंडो ईरानियन बोलने वाले लोग सेंट्रल एशियन स्टेप्स और यूरालिक रीजन से ही आए। ईरान से एक ब्रांच भारत की तरफ निकला, तो एक पश्चिम की तरफ मेसोपोटामियन एरिया की तरफ निकला। यहाँ मिट्टानी किंगडम, जिसकी तारीख 1600 BCE की मानी जाती है, की भाषा, जिसे हुरियन भी कहते थे, प्रोटो इंडो ईरानियन भाषा के शब्द लिए हुए है, जैसे कि उनके राजाओं के नाम पुरुषा और सुबंधु, और शब्द जैसे कि एक यानी वन, अश्व यानी घोड़ा भी मिट्टानी राज्य की हुरियन भाषा में पाए जाते हैं। ऋग्वेद के भगवान इंद्र, वरुण मिट्टानी लोगों द्वारा भी पूजे जाते थे,
उनके नाम बड़ी मशहूर मिट्टानी हिटटाइट अग्रीमेंट में मिले हैं, जिससे कि काफ़ी साफ हो जाता है कि मिट्टानी की तरफ और भारत की तरफ प्रोटो इंडो ईरानियन बोलने वाले लोग ही ईरान से आए। मिट्टानी राज्य की डेट से ही हम ऋग्वेद का अनुमान लगाते हैं, जो कि 1500 से 1300 BCE के बीच में मानी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि ऋग्वेद को अधिकांश भारत की बाउंड्री के बाहर ही कंपोज किया गया। ये हमें सोम के जिक्र से पता चलता है, जो कि एक तरह का पौधा था जो किर्गिस्तान के मुजावन पहाड़ का कहा गया है ऋग्वेद में। यहीं से आर्य लोगों को सोम का क्या इस्तेमाल है, कि वो एक नशीला पदार्थ है वगैरह पता चला। इसी एरिया में इष्ट, जो संस्कृत में ब्रिक यानी ईंट को कहा जाता है, उष्ट्र यानी ऊंट, कैमल के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आर्य लोगों की भाषा में, ये सारे शब्द यहीं से आए। फिर जब वो हिंदू कुश पहुंचे, तब उनकी भाषा में शुचि शब्द आया, जो फीमेल माउंटेन स्पिरिट को माना जाता है। हमें ऋग्वेद में हरप्पन सभ्यता के शब्द, जो हमें उनके ट्रेड से मिले हैं, जैसे कि मेल्यूहा, ऋग्वेद भाषा में नहीं मिले। अब तीसरे तरीके पे आते हैं, यानी टेक्सचुअल एविडेंस पे आते हैं। ना केवल ऋग्वेद की भाषा से हमें पता चलता है कि वो अधिकतर भारत के बाहर ही कंपोज हुआ था, उसमें बताए गए रीति रिवाज सिंधु घाटी सभ्यता यानी हरप्पन सभ्यता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। खराब आर्कियोलॉजी के चलते ऐसा माना जाता है कि पशुपति सील, जो कि मोहिंजोदाड़ो में मिली, उसमें जो आसन लगाकर बैठे हैं वो शिव हैं, जो पौराणिक भगवान हैं। उनका एक पहला फॉर्म उस सील में दिखाया गया है, ये सरासर गलत है। और क्यों गलत है, इस पर भी एक अलग वीडियो बनेगा। ऐसे ही हरप्पन सभ्यता में जो औरतों की फिगरीन्स मिली हैं, जिन्हें आमतौर पे मदर गॉडेस कहा जाता है, जो मिट्टी की बनी हुई हैं, उनको भी मदर गॉडेस बिल्कुल गलत माना जाता है। इन फिगरीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें पता चले कि इन्हें पूजा जाता था। भाई उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि भविष्य में 500 साल बाद अगर यहाँ खुदाई हो, यानी भारत में खुदाई हो, और कुछ गुड़ियों के अवशेष मिले, और उन्हें अगर ये मान लिया जाए कि ये कोई दैविक शक्ति थी, तो ये तो गलत होगा ना। ऐसे ही बेवजह मान लेना कि सारी औरतों की कृतियाँ दैविक हैं, बिल्कुल गलत है। हमें ये फिगरीन्स भी अधिकांश वर्कशॉप के करीब मिली हैं, किसी ऐसी स्पेशल जगह भी नहीं मिली जहाँ की पूजा होने की गुंजाइश हो, तो इन्हें दैविक मानना अतिशयोक्ति है। तो अगर ऋग्वेदिक रीतियाँ हरप्पन सभ्यता की रीतियों से मेल नहीं खाती, तो किससे मेल खाती हैं? वहीं से जहाँ से आर्य आए थे, इंडो यूरोपियन रीतियों से। जर्मैनिक रिलीजन और ग्रीक रिलीजन, यहाँ तक कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो पारसी रिलीजन है, सब वैदिक रिलीजन से मेल खाते हैं। जैसे कि पिंड पित्र की रीत, जो दिवंगत पितरों के लिए की जाती है, उसे ग्रीक रिलीजन में त्रितो पैटोरेस कहा जाता है। उषा, जो द्योस पित्र यानी स्वर्ग या हेवन की बेटी मानी जाती है, जर्मैनिक रिलीजन में उसे ऑस्टेरा कहा गया है। अश्विन कुमार, जो द्योस पित्र के दो बेटे माने जाते हैं, वो ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी में कैस्टर और पोलक्स के नाम से भी मशहूर हैं। जियस, जो ग्रीक गॉड हैं, और इंद्र, ऋग्वेदिक भगवान, दोनों की रूपरेखा बेहद मिलती जुलती है। सामाजिक रीतियां भी, जैसे कि आर्य लोगों की वर्ण शैली, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश यानी कि वैश, जो सरल तौर पे आम लोग, और फिर जब भारत में आर्य आए तब शूद्र वर्ण इसमें ऐड हुआ, क्योंकि जब आर्य यहाँ आए तब उन्होंने यहाँ के लोगों को एनस्लेव किया और अपने से नीचे माना। ग्रीक सोसाइटी में भी यह तीन शैलियाँ मौजूद थीं, फिर पैन हेलेनिस की कैटेगरी आई। आखिर में आर्य के ईरान से आने का सबसे पुख्ता सबूत है जेनेटिक स्टडीज। दो बहुत ही बेहतरीन स्टडीज हुई हैं डीएनए एनालिसिस से, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं आपको खासकर ये दोनों स्टडीज को पढ़ने के लिए कहूंगी। संक्षेप में क्या कहती हैं ये स्टडीज? एक स्टडी जो सेल नाम के जर्नल में छपी है, सीधे सीधे ये बताती है कि हरप्पन जीन और ईरानियन पास्टोरलिस्ट जीन्स अलग हैं,
और हरप्पन जीन वाले लोग ही साउथ एशिया में फार्मिंग करना शुरू किए सबसे पहले। इससे काफी साफ हो जाता है कि हरप्पन सभ्यता के लोग और बाद में आए वैदिक सभ्यता के लोग बिल्कुल अलग थे। दूसरी स्टडी जो साइंस नाम के जर्नल में है, उसमें यह बताया गया है कि स्टेप पास्टोरलिस्ट जीन्स दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मिलना शुरू होते हैं, जो कि पहली ही बताई हुई डेट से बिल्कुल मैच करता है 1500 BCE, और इनके जीन्स यानी स्टेप पास्टोरलिस्ट के जीन्स भारत की केवल 30% लोगों में ही मौजूद हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो स्टेप पास्टोरलिस्ट आर्य लोगों का अकेडमिक नाम है। ये दोनों स्टडीज काफी हद तक ये स्पष्ट कर देती हैं कि आर्य लोग ईरान से आए। ये चारों तरीके के एविडेंस बड़ी ही डिटेल में इन पेपर्स और किताबों में हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप इनको जरूर पढ़िएगा, आपको जो भी मैंने कहा और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर जो भी मैंने इस वीडियो में कहा आप उसे फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगले वीडियो में आप मुझे किस विषय पर चर्चा करते देखना चाहते हैं।